हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अक्षय देवी फ्रेंड्स, और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। अभी जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे फ्रेंड्स, ये 1772 में आए थे और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। ठीक है, आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में गवर्नर, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसीज और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की भी पावर आ गई थी। अभी देखिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थी, इनके टाइम पे बहुत चीजें हुई थी, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, ड्यूल सिस्टम को अबॉलिश किया गया था, शाह आलम टू के साथ रिलेशंस थे, रोहिल्ला वॉर हुआ था, ट्रायल ऑफ नंद कुमार हुआ था, और राजा चेत सिंह वाला केस था। ठीक है, फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ सालबाई और मद्रास फाउंडेशन ऑफ मद्रास मदरसा ओलिया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर इनका इंपीचमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। और ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि इनको एक अलग वीडियो में ही हमको कवर करना पड़ेगा। इस वीडियो का जो टॉपिक फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो है आपका कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स में जो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए थे उनकी हम बात करेंगे। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म जाने जाते हैं, एक कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमको, हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स, उसके बाद में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स भी बताऊंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स थोड़े ज्यादा अच्छे थे क्योंकि वो एकदम फ्रेशली अमेरिका से हार के आए थे। अमेरिका से हारने के बाद उनको यहाँ पोस्टिंग दी गई थी, तो उन्होंने वहां से जो कुछ भी सीखा था उन रिफॉर्म्स को यहाँ पे अप्लाई किया था। यहाँ पे अभी हम वॉरेन हेस्टिंग्स रिफॉर्म्स देते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स रिफॉर्म्स को मैंने बहुत सारे हेड्स में तोड़ रखा है। तो सबसे पहले आते हैं आपके, अगर वॉरेन हेस्टिंग्स रिफॉर्म्स को देखी जाए तो इन्होंने ड्यूल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्रेंड्स पहली बात तो देखिए कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आए थे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसकी बिल्कुल हालात खराब थे, फैमिन हो रखा था, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी रिफॉर्म्स को एस्टैब्लिश करने की। अब ये जो ड्यूल सिस्टम का सिस्टम था, ये क्या था फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद लॉर्ड क्लाइव ने इसको अप्लाई किया था, जिसमें आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया गया था और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को ही हटा दिया गया और सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू को कलेक्ट करने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पे आ गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एजेंसी अब डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द डायरेक्ट दीवान। जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उन्होंने जो नवाब की अलाउंस था उसको 32 लाख से घटा के 16 लाख कर दिया, 32 लाख से कम करके 16 लाख, नवाब ऑफ बंगाल का जो भी अलाउंस था उसको 32 लाख से घटा कितना कर दिया, 16 लाख कर दिया। उसके आगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने हर साल मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास एक पेंशन जाती थी 26 लाख रुपए की, उसको भी बंद कर दिया। फिर आगे आते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कलकत्ता में, जिसका काम था कि ये देखा जाए कि जो आपका कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आगे आते हैं कि इनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स में एक चीज और आती है कि इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया हर डिस्ट्रिक्ट में। आप समझिए फ्रेंड्स, इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट कर, कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन था, ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन था इंडिया में। तो इंग्लिश कलेक्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया ताकि वो कलेक्शन में एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकें। फिर आगे जो ट्रेजरी थी, जो सेंट्रल ट्रेजरी थी जहां ब्रिटिशर्स का पैसा जमा होता था, वो पहले मुर्शिदाबाद से थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में कुछ सेफ्टी पर्पसेस की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस ट्रेजरी को कलकत्ता में शिफ्ट करा दिया। कलकत्ता वाज द सेंटर ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ब्रिटिशर्स का सेंटर ऑफ पावर था, तो कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि ये ब्रिटिश टेरिटरी ज्यादा सेफ रहेगी, इसलिए उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर एक अकाउंटेंट जनरल भी अपॉइंट किया गया, कलकत्ता कैपिटल बन गई बंगाल की 1772 में। आगे चलते हैं, अभी देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या करना शुरू किया कि जितने भी लैंड्स होते थे ना, उसको एक साल के लिए, पहले क्या होता था कि जमींदारों को लैंड एक एक साल के लिए अलॉट किए जाते थे कुछ फॉर द पेमेंट ऑफ सम मनी। अब उन लैंड से ज्यादा रेवेन्यू रिवलाइजेशन के लिए और जमींदार को कलेक्शन के लिए ज्यादा टाइम देने के लिए एक साल के नहीं 5 साल के लिए लैंड लीज पे दिया जाने लगा। और जब लैंड लीज पे दिए जाने के लिए ऑप्शन होता था ना, तो पहली चॉइस जमींदारों को दी जाती। कुछ ऐसे मेजर्स भी लिए गए जिससे पीजेंट्स की हालत ठीक हो सके, एग्जॉर्बिटेंट रेंट उनसे ना एक्सट्रैक्ट किया जाए इसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए। ठीक है, और अनरीजनेबल फाइन्स को अबॉलिश किया गया। तो इस तरीके की चीजें हुई फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी, ये चीजें आगे आने वाले टाइम में फेल हो गई, वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें इनहेरेंटली कुछ डिफिकल्टीज थी। आगे चलते हैं, उसने जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सबसे ज्यादा रीऑर्गेनाइज कॉर्नवालिस कोर्ट से हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया है। उनको पता था कि भैया जो जुडिशियल सिस्टम था वॉरेन हेस्टिंग्स को, वाज नॉट परफेक्ट। जो नवाब था, ही वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो ऑफन अपनी पावर्स को मिसयूज करता था,
उसके जजमेंट्स भी केयरलेस रहते थे, फिर जो एरियाज थे जहां पे डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लोअर रंग्स में जो जमींदार थे वही लोग पुलिस का काम करते थे, वही लोग जुडिशरी का भी काम करते थे, और जमींदार बहुत ज्यादा करप्ट और प्रेजराइज थे। तो जुडिशियल सिस्टम वॉज एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट था वो, क्योंकि अगर जमींदार खुद ही जज बन जाएंगे तो क्या जस्टिस होगा यार। ठीक है, तो इसको सही करने की कोशिश की वॉरेन हैस्टिंग्स ने, कुछ हद तक उसको सही किया भी। वो रिफॉर्म्स भले ही उतने यूज मतलब उतने इफेक्टिव नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने थोड़ी सी तो कंडीशन को सुधारा ही था। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट बनाया गया और एक क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया, और सिविल कोर्ट में जो जज होगा वो कलेक्टर होगा और क्रिमिनल कोर्ट में जो जज होगा वो एक इंडियन पर्सन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब अपील जाएगी तो उसके लिए दो एपिलेट कोर्ट्स बने, एक तो सिविल एपिलेट कोर्ट बना, दूसरा क्रिमिनल एपिलेट कोर्ट बना। सिविल एपिलेट कोर्ट को बोलते थे सदर दीवानी अदालत और क्रिमिनल एपिलेट कोर्ट को बोलते थे सदर निजामत अदालत। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसके खिलाफ अपील कहां लाई करेगी, सदर दीवानी अदालत में और सदर निजामत अदालत में। फिर आगे बढ़ते हैं कि यार सबसे खास बात ये थी कि मुस्लिम लॉज और हिंदू लॉज, देखिए उस समय पे दो मेन कम्युनिटीज थी इंडिया में, हिंदू थे मुस्लिम थे, और उनके अलग अलग लॉज थे, अलग अलग प्रोसीजर कस्टम्स कल्चर थे। तो हिंदू लॉ अलग थे, उसमें अलग अलग मतलब कर्मों की अलग अलग सजा थी, मुस्लिम लॉज में अलग अलग गलतियों की अलग अलग सजा थी। तो एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए गए, हिंदुओं में पंडित अपॉइंट किए गए, मुस्लिम धर्म में मौलवीज को अपॉइंट किया गया, और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एक ऐसा कोडिफाइड लॉ बनाइए, ठीक है, जिससे जजेस को ये आसानी हो डिसीजन देने में कि हाँ ये हिंदू पर्सन है तो इसको हिंदू लॉ के हिसाब से क्या दंड मिलना चाहिए, और ये मुस्लिम पर्सन है तो इसको मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए। ये एक कोडिफिकेशन ऑफ लॉस कर दिया अकॉर्डिंग टू रिलीजन, तो हिंदू लॉ के हिसाब से अलग किया, मुस्लिम लॉ के हिसाब से अलग किया। इस ट्रांसलेशन बना था, ये जो पंडितों ने हिंदू लॉ का बनाया था इसको बोलते थे कोड ऑन हिंदू लॉस। आगे चलते हैं ट्रेड रेगुलेशन में, देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तक के जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो फ्री पासेस का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। अब ये फ्री पासेस में क्या होता था फ्रेंड्स, फ्री पासेस में ये था कि अभी देखिए फ्रेंड्स पहले क्या हुआ होता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स ने दस्तक ले ली थी। दस्तक में होता क्या था, अब ये दस्तक के चक्कर में ही सिराजुद्दौला से सारा बवाल हुआ था, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था फ्रेंड्स। अगर आप मैंने आप बैटल ऑफ प्लासी की वीडियो देखी उसमें आपको दस्तक के साथ प्रॉब्लम क्या थी मैं समझा दूंगा। 1717 में शुरू हुआ था दस्तक वाली प्रॉब्लम, सिराजुद्दौला ने मना किया कि भाई दस्तक को आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन दस्तक से ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को फायदा था। होता क्या था कि दस्तक यार एक फ्री ट्रेड पास था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स अगर अपने लिए कोई ट्रेड कर रहे हैं ना तो कस्टम पोर्ट्स पे चेक पोस्ट पे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई इंडियन मर्चेंट कर रहा है तो टैक्स लगेगा, और इंडियन मर्चेंट के लिए टैक्स थोड़ा मोड़ा नहीं 70% 80% कभी कभी 100% से ज्यादा, और वहीं पे इंग्लिश सर्वेंट्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी काम कर रहा है उसमें कोई टैक्स ही नहीं लग रहा। तो दस्तक से वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, जिससे ट्रेड प्रैक्टिसेस को बहुत घाटा हो रहा है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कुछ नहीं, सारी दस्तक बंद, उसने दस्तक के सिस्टम को ही बंद कर दिया। अब ब्रिटिश मर्चेंट्स हो चाहे इंग्लिश मर्चेंट्स हो सबको यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ टैक्स देना था, और वो था लगभग 2.5%। फिर जो कंपनी के सर्वेंट्स का प्राइवेट ट्रेड था उसको अलाउ किया गया, लेकिन एनफोर्सिएबल लिमिट में, यानी लिमिट के अंदर प्राइवेट ट्रेड हो सकता था कंपनी सर्वेंट्स का, उससे अदर नहीं हो सकता था। उसके आगे वीवर्स को बेटर ट्रीटमेंट दिया गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम का, एक बैंक बनाया गया, ठीक है, पुलिस को कलकत्ता में इम्प्रूव किया गया। छोटी छोटी चीजें हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी, जो मेन मेन चीजें फ्रेंड्स, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स थे, ट्रेड रिफॉर्म्स थे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे, फाइनेंस रिफॉर्म्स थे, इसके बारे में मैंने बात की। तो आई होप कोई वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल रही हो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कम में इसको खत्म किया क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं किया हूं, मतलब नहीं है बहुत ज्यादा डीप में जाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाने से वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी फ्रेंड्स, और उतना यूजफुल भी नहीं रहेगा एग्जाम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।